तो तुम लोगों ने ऐसे माहौल देखे नहीं हैं, या कालज या ये जो से केबल बोलते हैं, चैनल बोलते हैं लगा के, और रहनुमाई भी करते हैं और लड़कियों को बिठा के पास हंसते भी हैं। ये रहनुमाई ऐसे होती है, लियाकत नात भी सुनता है, ये भी सुनता है मेरा जी, और लड़कियों के साथ भी हंसता है। और दूसरा तुम्हारा खबरनाक वाला आफ्ताब जिसको बोलते हैं, वो भी लड़कियों लड़कों को इकट्ठा किया हुआ। ये बहुत जालिम लोग हैं। आका जी ने कहा औरत पर्दे में रहे, पर्दे से ज़्यादा घर में रहे, घर में घर के कोने में रहे। आपने कहा जिसको औरत का हाथ छू जाए उसको मेख लग जाए सर में, वो अच्छी औरत का हाथ ना छूए, सब कुछ कर रहे हैं। और हुकूमत को खुदा से पूछेगा, क्योंकि हुकूमत जिम्मेदार होती है। अल्लाह ताला कहते हैं जिसको इक्तदार दें, इक्तदार हम दें, वो अच्छी बातों पे चलाए, बुरी बातों से मना करे। ये कहते नहीं वो अलहदा है, जमहूरी अलहदा है, जो मर्जी करो नंगे फिरो, ऐसे जमहूरी है। ऐसे उधर भी जमहूरी होती, कहते हैं अमेरिका में एक जंगा फिर रहा था, कहते जमहूरी है। तो ये माहौल जो आज देखते हैं या दिखाते हैं, ये बहुत ज़ालिम है। खुदा के हक में ज़ालिम, नबी के हक में ज़ालिम, आवाम के हक में ज़ालिम। तो तुमको हर बात में नबी करीम को सोचना चाहिए। जो नबी करीम को नापसंद हो तुमको नापसंद हो, लेकिन तुम सच्चाई से उनके ग़ुलाम बन जाओ। अगर सच्चाई होगी तुम्हारे कोई काम नहीं रुकेंगे। कि हम नियत करते हैं अच्छे कामों की, लेकिन कमज़ोरियाँ आस्ते आस्ते दूर होती हैं। एकदम तो नहीं होती, तुम एक दाढ़ी रख लो, एकदम तुम लड़कियों से बोलना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, लेकिन सच्चाई तुम्हारे दिल में होगी कि हम आस्ते आस्ते छोड़ देंगे। तो आका जी कहते हैं नियत अमल से भी बेहतर है, लेकिन अगर सच्चाई हो ना उसमें। और किसी की सुनाऊँ तो मुझे इन लोगों पर तनकीद नहीं करनी है, इन लोगों को रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, इन सब के ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि उम्मत के वाली आका जी हैं, ये वाली नहीं है उम्मत के। उम्मत के मालिक खुदा के बाद आका जी हैं, ये नहीं है उम्मत के मालिक। तो ये ऐसा जो करते हैं, इसलिए आका जी का एक वक्त आएगा इतनी फितने होंगे जैसे अंधेरी रात होगी। वही बचेगा जो जंगल में निकलेगा और कुछ ऐसे कहा है। तो आप नबी के साथ रहें, जो चीज़ समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए नबी के पीछे अंधा होकर चलना है, कहना है वल्लाह वालम बस। नबी करीम कहते हैं मैं ऐसा दीन लेके आया हूँ लई लोहा का नहा रहा, उसमें रात नहीं है, उसमें दिन ही दिन है। आपका इतना आसान है, और जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ हो अल्लाह व रसूल आलम खलास, तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो ये ऐसा करके बैठे हूँ मैं, तो तुमको नबी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। कंधे वहदत से हुई है बंद रब,